जी हाँ, कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म पंगा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जी हाँ, मूवी की पहले ही झलक में कंगना सादगी से भरे लेकिन दमदार कैरेक्टर को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश करती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाने वाले हैं ट्रेलर लॉन्चिंग के टाइम पे क्या कुछ खास कंगना ने बातचीत करी, क्या कुछ खास उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, किस तरह से उन्हें पंगा फिल्म का टाइटल मिला। वेल, ये तो आप जानते हैं कि कंगना रनौत भी अक्सर कई पंगों में पड़ती रहती हैं। क्या इसका लिंक इस पंगे फिल्म से तो नहीं, उसी के लिए आपको देखना होगा हमारा ये खास इंटरव्यू। तो देखिए ये पूरे इंटरव्यू। अरे गार्डन बस मैम, वहीं पे वहीं पे वहीं पे पीछे से क्लियर, पीछे से क्लियर। मैम सेंटर सेंटर मैम, कंगना मैम सोलो सोलो मैम, मैम सोलो सोलो सोलो। जस्सी पाजी सेंटर में मैम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल व्हाट आई दिस माय वेरी पर्सनल ओपिनियन वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा। जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था, चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती, तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना, देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना, ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी। मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने, कोई आपका जो लीडर आए हैं, कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं, आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे, अभी मी बीइंग कंगना रनौत यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है, दो फिल्में, मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो, यू हैव टू गिव मी दिस मच, आई एम हियर ऑन माय ओन मेरिट। तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पे उन्होंने सत्ता पाई है, अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है? तो ये नहीं होता, यू कांट बी अ सोर लूजर। So, like I said, there is a lot to say, but it's better we don't drift into a different direction and we stay where we are. Jassie, here, at your left. My question to you is ki aap jo ek trailer mein aap ek aam aadmi ki bhumika nibha rahe hain, lekin wo apni wife ko promote kar rahe hain, aage badhne ke liye wo kar rahe hain. जो जो आजकल के हस्बैंड्स हैं या जो आजकल का एरा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड व्हाट मेड यू से अ यस टू दिस फिल्म आफ्टर हैप्पी फिर भाग जाएगी? सो मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जिस फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ की है, मतलब मैक्सिमम जितने हमारे पंजाब में जितनी फैमिलीज हैं, क्योंकि पंजाब में खास करके ऐसा होता है कि एक जाना घर पर कमाने वाला होता है, बाकी सब खाने वाले होते हैं, जैसे जो फार्मर्स हैं उनके खास करके ऐसा रहता है, तो उनकी स्टोरी है। तो मुझे बहुत सारी चीज जगह पे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे मेरी मॉम की बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है, तो ये फिल्म बहुत खास है मेरे लिए। मेरी दूसरी फिल्म थी वैसे नेक्स्ट टू नाइन लाइव डेस्क से इंदु की रिपोर्ट।